4 जुलाई से सावन मास के साथ ही चारों तरफ धर्म का पावन वातावरण हो जाएगा। शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय आरंभ कर देंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही सरल और सटीक उपाय लाए हैं, जिनको अपनाकर आप भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। सावन मास के पहले दिन भगवान शिव की प्रिय सामग्री घर में लाने से घर में शुभता आती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भोलेनाथ की कृपा हम पर हमेशा के लिए बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी 10 सामग्री है जो कि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं और उनको घर में लाने से हमारे घर में शुभता आती है। त्रिशूल। त्रिशूल शिव के हाथों में हमेशा होता है। यह 3 देव और 3 लोक का प्रतीक है। अतः सावन मास के प्रथम दिन अगर चांदी का त्रिशूल लाएंगे तो पूरे वर्ष भर आपदाओं से आपकी और आपके परिवार की रक्षा होगी। तो सावन मास के पहले दिन आप अपने घर में त्रिशूल लेकर के आएँ। त्रिशूल चांदी का हो, जिससे आपके घर में आने वाली सभी विपदाएं दूर हो जाएंगी और साल भर आपके घर की सुरक्षा रहेगी। रुद्राक्ष। सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं, या फिर घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में मढ़वा कर पहनें। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव धारण करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव का अत्यंत प्रिय गहना होता है। डमरू। यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी जाती है। सावन मास के प्रथम दिन हमें डमरू लाकर अपने घर में रखना चाहिए और अंतिम दिन किसी बच्चे को यह डमरू उपहार स्वरूप भेंट कर देना चाहिए। यानी सावन के पहले दिन आप अपने घर में डमरू खरीद कर लाएं और सावन के आखिरी दिन वो डमरू किसी बच्चे को दान स्वरूप भेंट कर दें। चांदी के नंदी। नंदी शिव जी का गढ़ भी है और वाहन भी। सावन मास के पहले दिन चांदी के नंदी को घर में लाकर माह भर पूजा करें तो यह आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है। जल शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। आप चाहें तो सावन मास के प्रथम दिन गंगा जल लाकर घर में रखें और पूजन करें। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उससे शिव जी को जल अर्पित करके पुनः भर करके रख दें। यह प्रयोग भी धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है। सर्प। भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी रहते हैं। अतः सावन मास के प्रथम दिन चांदी के नाग नागिन के जोड़े को घर में ला कर के रखें, हर दिन पूजन करें और सावन के अंतिम दिन उसे किसी शिव मंदिर में ले जा कर के रख दें। यह प्रयोग आपको पितृ दोष और काल सर्प योग से राहत देता है। किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे नई चांदी के डिब्बे में ला कर के रखें, माह भर उसे पूजन में शामिल करें और बाद में तिजोरी में रख दें। यानी सावन के पहले दिन आपको किसी मंदिर से शिव जी की भस्म लानी है और उसे एक चांदी की डिब्बी में रख लें और उसी भस्म से पूरे महीने शिव जी की पूजा करें और बाद में उस भस्म को एक तिजोरी में रख लें। तिजोरी जिसमें कि आप अपना धन संपत्ति रखते हैं, उस तिजोरी में रख लें। बरकत के लिए ये एक बहुत ही अचूक उपाय है। इससे आपके घर में बरकत होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। चांदी का कड़ा। भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन माह के पहले दिन यह लाकर रखने से
तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के शुभ योग बनते हैं। यानी अगर आप सावन माह के पहले दिन कड़ा ला करके आप रखते हैं घर में, पूजा करते हैं, तो आपके तीर्थ यात्रा या फिर विदेश यात्रा जाने के योग शीघ्र बन जाते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, अतः सावन माह के प्रथम दिन चांदी के चंद्रदेव ला करके पूजन में रखें। अगर संभव हो तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। मोती चंद्र ग्रह की शांति करता है। इसे करने से चंद्र ग्रह की शांति तो होती ही है, साथ ही मन भी मजबूत होता है। चाहे तो चंद्र और मोती का साथ में पेंडेंट ला करके भी आप धारण कर सकते हैं। हम पूरे सावन माह में शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। बिना बिल्व पत्र शिव जी की पूजा अधूरी होती है, लेकिन कई बार शुद्ध अखंडित बिल्व पत्र का मिलना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में चांदी का महीन बिल्व पत्र लाकर प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके करोड़ों पापों का नाश हो जाता है और घर में शुभ कार्यों के संयोग बन जाते हैं। तो ये थी जानकारी कि हमें सावन मास के पहले दिन क्या 10 चीज़ें खरीदनी चाहिए, जिनको खरीदने से हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है, और वो 10 चीज़ें जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय भी हैं। तो आप भी ये 10 चीज़ें ला करके अपने घर में रखें सावन मास के पहले दिन, और अपने अच्छे दिनों की शुरुआत करें। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।